हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के 34 असोका रोड स्थित बंगले पर मंगलवार शाम अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। हमलावरों ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जिस समय यह हमला हुआ उस समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बंगले में मौजूद नहीं थे। बंगले की केयर टेकर दीपा ने बताया कि हमलावरों की संख्या 7 से 8 थी। वो नारेबाजी कर रहे थे और घर के अंदर ईंट पत्थर फेंक रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। नई दिल्ली के क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने कहा कि घटना में कथित संलिप्तता के 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमला करने वाले लोग हिंदू सेना से जुड़े हैं। घर पर हुए हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सांसद का घर भी सेफ नहीं है, यही रेडिकलाइजेशन है, लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। इस तरह के हमले से क्या संदेश जाता है? उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ओवैसी ने कहा कि आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। उनकी बुजदिली के चर्चे तो वैसे ही आम हैं, हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लकड़ियां थी, घर पर पत्थरबाजी की गई। उन्होंने कहा, मेरा नेम प्लेट तोड़ दिया गया और 40 साल से हमारे साथ काम करने वाले राजू के साथ मारपीट भी की गई। सांप्रदायिक नारे लगाए गए और मुझे कत्ल करने की धमकी भी दी गई। राजू के घर में रहने वाले छोटे से बच्चे घबराए हुए हैं। झुंड में कम से कम आज 13 लोग थे, 6 दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरे घर को ये तीसरी बार निशाना बनाया गया है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब राजनाथ सिंह ना सिर्फ गृह मंत्री थे बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे। मेरे घर के बगल में ही निर्वाचन सदन है और ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आवास भी मेरे घर से महज 8 मिनट की दूरी पर है। मैंने बार बार पुलिस को बताया था कि मेरे मकान को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक सांसद का घर महफूज नहीं है तो बाकी शहरियों को अमित शाह क्या संदेश देना चाहते हैं?